अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे 100% रैम यूज फिक्स कर सकते हो, वो भी अपनी विंडोज 10 के अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो, लाइक करना लाजमी है एंड सब्सक्राइब को तो यार ठोक दो यार, करो लाजमी से करो यार, सब्सक्राइब करना बहुत लाजमी है एंड वीडियो को लाइक भी करो एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी ये वीडियो देखकर 100% रैम यूजेज फिक्स कर सकें। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा जिससे आपका 100% रैम यूजेज फिक्स हो सकता है। तो आपको मतलब पूरी वीडियो देखनी है, लास्ट तक स्किप नहीं करना है। तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी दूंगा जिससे आप 100% रैम यूजेज फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सर्च करना है बैकग्राउंड ऐप एंड हिट एंटर। सो यहाँ पर ये ऐप जो है ये आपके सब ऑन होंगे, बट मैंने फिलहाल ऑफ कर रखा है। कुछ इस तरीके से ऑन होंगे बट आपने सबको ऑफ कर देना है क्योंकि आप जब भी बैकग्राउंड में देखते हो तो ये वाले सॉफ्टवेयर जो है आपका यहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो ये काफ़ी रैम कंज्यूम कर लेते हैं और आपका गेम भी लैग करता है। तो आपने इन सबको ऑफ करना है ओके। एंड उसके बाद आपने टास्क मैनेजर ही ओपन करना है एंड यहाँ पर कोई भी अनवांटेड ऐप है तो आपने उसे एंड टास्क कर देना है। मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उस वो बैकग्राउंड में कभी कभार आप ऑफ कर देते हो तो वो मतलब वर्क कर रहा होता है, आपने उस पर क्लिक करना है एंड सिंपली यहाँ से एंड टास्क करना है। बट किसी भी आप माइक्रोसॉफ्ट के जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं आप उन्हें एंड टास्क करोगे तो वो आपकी विंडोज़ की फाइल्स हैं, उन्हें एंड टास्क ना करना ओके। तो उसके बाद आपने जाना है माइक्रोसॉफ्ट एज पर, आपका कोई भी ब्राउज़र आप उसे ओपन करो। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज को ही ओपन करो, मैं तो आपको कहूँगा आपके पास कोई भी ब्राउज़र है तो आप उसे ओपन करो, मेरे मुंह से निकल के माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करो। सो आपने गूगल पर जाना है एंड यहाँ पर सर्च कर लेना है मेमोरी डेक फ्री डाउनलोड एंड अटेंडर। आपको फर्स्ट वेबसाइट पर जाना है एंड मेमोरी डेक को इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर लेना है। आज जबान बहुत फिसल रही है फ्रेंड्स। सो बहुत ही ईजीली तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा 3 सेकंड्स में और ये बहुत ही आपका कभी स्लो इंटरनेट है ये तब भी फास्ट डाउनलोड होगा क्योंकि ओनली 300 KB है। बहुत ही ईजीली हो जाएगा यार फ्रेंड्स, लाजमी से डाउनलोड करना। इसे मैं डेस्कटॉप पर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था लेकिन मैंने फिर भी किया। सो इसे रन एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। सो इसे इंस्टॉल करना है, मुझे यकीन से पता है कि हर बंदा इसे इंस्टॉल कर लेगा। सो इसे नेक्स्ट करना है एंड रन कर लेना। सो ये ओपन हो चुका है एंड डेस्कटॉप पर इसका आइकन भी आ चुका है। सो इसे अपडेट कर लेते हैं, अपडेट कह रहा है यस पे क्लिक करके अपडेट एंड क्लोज। सो आपको फाइल्स पर जाना है एंड सेटिंग्स एंड आपको यहाँ पर दिखेगा लोड एंड स्टार्टअप सिस्टम स्टार्टअप ओके। इसे चेक करना है एंड मेमोरी क्लीनिंग। सो आपको फर्स्ट 3 सिलेक्ट करना है एंड क्लोज। एंड मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि कैसे मेरा रैम जो है डिक्रीज हो जाएगा, यूजेज दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो 43 रैम यूजेज हो रहा है। क्लीन मेमोरी पे क्लिक करते हैं सिंपली यहाँ पे डोंट आस्क अगेन एंड यस। सो आप लोग यहाँ देखना 41, 38 एंड 35, 34, 33, 32, 30, 28, 27 और हमने यहाँ पर देखा फ्रेंड ये बहुत ईजीली तरीके से ये मतलब हमने सिर्फ एक क्लिक पर रैम यूजेज को डिक्रीज कर लिया। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार फ्रेंड्स लाइक ठोक दो एंड सब्सक्राइब बटन को तो यार छोड़ो ही नहीं, एकदम बस मस्त तरीके से उस पर क्लिक कर दो एंड बेल आइकन को भी ऑल पे करो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।